नमस्कार। जन सरोकार मंच टोंक राजस्थान की ओर से इस फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं विजयानंद विजय मुजफ्फरपुर बिहार से अपनी कुछ लघु कथाएं आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरी पहली लघु कथा है एहसास। रुको रुको, हेलमेट लगा लो बेटा। चौराहे पर सिपाहियों के साथ खड़े दरोगा जी ने सामने से तेजी से जा रहे बाइक सवार को पुकारा। नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद से शहर के हर चौक चौराहे पर पुलिस की जबरदस्त चेकिंग चल रही थी। आवाज सुनकर बाइक सवार युवक रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, दरोगा जी के पास आया और पूछा, अंकल पुलिस वाले तो आजकल वाहन चेकिंग के नाम पर डंडे मारते हैं, कॉलर पकड़ लेते हैं, मारपीट गाली गलौज तक करने लगते हैं, आप इतने प्यार से क्यों बुला रहे हैं सबको? बेटा रुक जाओ, बेटी रुक जाओ, सुनो बहन, सुनो भाई। दरोगा जी ने उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, अच्छा ये बताओ तुम मेरे बेटे जैसे हो कि नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं अंकल, युवक ने सकुचाते हुए कहा और बाइक से उतर गया। तो अगर मैंने अपने बेटे को कहा कि हेलमेट लगाकर बाइक चलाओ, इसमें तुम्हारी ही सुरक्षा है, तो क्या गलत कहा मैंने? दरोगा जी ने उसी से पूछ लिया। नहीं तो फिर ऐसी लापरवाही क्यों बरतते हो बेटा? भगवान न करे रास्ते में अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे माँ बाप परिवार पर क्या बीतेगी, कभी सोचा है? दरोगा जी ने उसी प्यार भरे लहजे में युवक से पूछा। न जाने क्यों उनकी आंखें सजल हो आई थी। सॉरी अंकल, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, थैंक यू अंकल, युवक ने कान पकड़कर कहा और अपने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखें भर आई थीं, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। दरोगा जी ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, जाओ। युवक ने दरोगा जी की बोलती आंखों में झांका, झुककर उनके पांव छुए और बाइक स्टार्ट कर आगे बढ़ गया। देखना, यह लड़का अब कभी भी बिना हेलमेट लगाए बाइक नहीं चलाएगा। दरोगा जी ने पास खड़े सिपाही की ओर देख, ये ऐसे थोड़े ना सुधरने वाले हैं। सुधरेंगे, ये जरूर सुधरेंगे, दरोगा जी ने सिपाही की ओर देखते हुए कहा। ऐसा है, प्रेम में बड़ी ताकत होती है, जो बिगड़े से बिगड़े इंसान को भी सुधार देती है, उसे सही रास्ते पर ला सकती है। और फिर अगर ये न भी सुधरे तो कम से कम हमें दुआ तो देंगे, हमें गाली तो नहीं देंगे। जुर्माना लगाने से कहीं ज्यादा जरूरी है
इन्हें एहसास दिलाना, समझे। काश यही एहसास मेरे बेटे को भी हो गया होता तो आज शब्द जैसे उनके मुंह में ही अटक गए थे, मगर आंखों से टपकते आंसुओं ने वह सब कुछ कह दिया था जो वह छुपाना चाहते थे। मेरी दूसरी लघु कथा है भूख। महामारी गरीबों के लिए आफत बनकर आई है। आखिर आज ईंट भट्ठे पर भी काम बंद ही हो गया। ईंटों को जोड़कर भट्ठे के पास ही किसी तरह सर छुपाने का एक ठिकाना बनाया था उसने, मगर वह भी उजड़ गया। कमली अपने नसीब को कोसती दुधमुही बच्ची को लेकर सड़क पर आ गई थी। तेज चिलचिलाती धूप, जमीन पर पांव जल रहे थे, गर्म हवा से पूरा शरीर और भूख से अंतड़ियां कुलबुला रही थी। अपनी बेबसी और लाचारी पर कमली जोर जोर से रोना चाहती थी, मगर गोद में नन्ही सी जान को देखकर उसके आंसू अश्रु कोटरों में ही ठहर जाते थे। काश रमुआ के साथ ही भगवान ने उन दोनों को भी उसी दिन उठा लिया होता तो ये दिन तो ना देखने पड़ते, कमली सोचती और शोक में डूब जाती। सामने उसे कुछ भीड़ दिखाई देती है। जब वह वहां पहुंचती है तो पता चलता है कि खाना बंट चुका था और खाना बांटने वाले जा चुके थे। अब भोजन के लिए शाम तक इंतजार करना पड़ेगा। कमली निराश होकर वहीं पेड़ के सहारे बैठ गई। बच्ची लगातार रोए ही जा रही थी। उसकी रुलाई कमली का कलेजा चीर देती थी। वह बच्ची को पुचकारती और उसका मुंह अपनी छातियों से लगाती, मगर भला सूखी छातियों में भी कहीं दूध उतरता है। व्याकुल होकर कमली इधर उधर देखने लगी। पास ही पानी की एक बोतल पड़ी हुई थी। वह पानी हथेली में उड़ेलकर उंगली से घूंट घूंट बच्ची को पिलाने लगी। मजबूरी इंसान से क्या क्या नहीं करवाती है। भूख अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसकी नजर कोने में फेंके गए जूठे पत्तलों की ओर गई। बोतल के बचे हुए पानी से अपना गला तर करते हुए वह उठने को हुई तो लगा कोई उसके पांवों के पास खड़ा है। नीचे देखा तो एक छोटी बच्ची उसके सामने हाथ फैलाए खड़ी थी। उस बच्ची के हाथ में रोटियां थी। बिखरे बाल और रंग उतरी फ्रॉक पहने उस लड़की को कमली देखती ही रह जाती है। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। थोड़ी ही देर में कमली उस बच्ची के साथ बैठकर रोटी खा रही थी और उसकी बेटी दूध पीते पीते कब सो गई उसे पता भी नहीं चला। रंजन गोप जी सुन रहा हूँ सर, बहुत अच्छी बात है। आवाज सही जा रही है ये कृपया बताएंगे। अगली लघु कथा है टूटे पत्ते। वह सुबह सुबह अपने बगीचे में टहल रहा था। ठंडी ठंडी हवा तन मन को सुकून और ताजगी दे रही थी। कतारों में सजे रंग बिरंगे फूल मुस्कुरा रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे और तितलियां रंगों की इंद्रधनुषी छटा बिखेर रही थी कि अचानक पेड़ से एक पत्ता गिरा। उसने नीचे झुककर उस पत्ते को छुआ और उससे पूछा, तुम डाल से टूटकर क्यों गिरे? मैं खुद टूटकर नीचे नहीं आया हूं भाई,
इस पेड़ ने ही मुझे अपनी शाखों से अलग कर दिया है, पत्ते ने दुखी स्वर में कहा। क्यों? उसने कहा कि अब तुम हमारे किसी काम के नहीं रहे, पत्ते ने रुआंसे स्वर में कहा। क्यों भाई, तुम तो इस पेड़ का एक अनिवार्य हिस्सा थे, वह तुम्हें ऐसे कैसे अलग कर सकता है? वही तो मैंने भी समझाया उसे, मगर वह कुछ समझने को तैयार ही नहीं हुआ, पत्ते ने कहा। क्या उसे नहीं पता कि तुम उनके लिए सूर्य का ताप सहकर भोजन बनाते हो, जीने के लिए तुम उन्हें ऑक्सीजन देते हो? फिर भी, मैंने पत्ते से कहा। हाँ हाँ, फिर भी। वाह भाई वाह, ये तो बेरहमी है। फिर उसने पेड़ को संबोधित करते हुए कहा, क्यों पेड़ भाई, तुम्हारे अंकुरण से लेकर आज तक इन पत्तों ने ही तो तुम्हारा पालन पोषण किया है, तुम्हें जीवित रखा है। ये पत्ते न होते तो क्या तुम्हारा अस्तित्व होता? सही कह रहे हो भाई, पेड़ ने कहा। इसीलिए हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी सगा हमसे कहीं दूर जाए, अपना जीवन चक्र पूरा कर आखिर एक दिन सबको मिट्टी में ही मिलना है। इसलिए शाखों से अलग होने के बाद भी हम पत्तों को अपने पास अपनी मिट्टी में ही रखते हैं, ताकि इस मिट्टी में घुलकर ये फिर से हमारी रगों में रच बस कर पनप जाएं। हम तुम्हें कभी भी अपने से दूर नहीं रख सकते हैं प्रिय पत्ते, कहते हुए पेड़ भावुक हो गया। पत्ते ने भी अभिभूत होकर पेड़ को अपनी बाहों में समेट लिया। पेड़ और पत्ते की बातें सुनकर सहसा उसकी आंखों से आंसू की दो बूंदें जमीन पर टपकी और होंठ बुदबुदाए। बाबूजी, वह बिहवल होकर बगीचे से बाहर निकला और उसके तेज कदम वृद्धाश्रम की ओर मुड़ गए थे। अगली लघु कथा है और तिरंगा लहरा उठा। ढोल नगाड़े के साथ जयकारे लगाते हुए भीड़ चली आ रही थी। सबके हाथों में ध्वज थे और सबसे आगे एक विशाल केसरिया पताका आसमान में लहरा रही थी। दूसरी ओर से अल्लाह अकबर के नारे के साथ लोगों का हुजूम चला रहा था। उनका हरे रंग का झंडा आकाश की ऊंचाई नापने को बेताब था। जिला प्रशासन की धड़कें परवान पर थीं, राजनेताओं की भौहें तनी और त्योरियां चढ़ी हुई थीं। रहवासी अपने घरों में दुबके झरोखों परपोटों से इस दृश्य का अवलोकन करते हुए अनहोनी की आशंका से भयभीत थे। पिछले साल हुए भयानक सांप्रदायिक दंगे की पुनरावृत्ति की शंका आशंका के मद्देनजर जिला प्रशासन ने कानून और व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त किया हुआ था। दोनों ओर से जुलूस धीरे धीरे चौराहे के करीब आता जा रहा था और DM SP के माथे पर पसीना चुहचुहा आया था। चौराहे पर आमने सामने दोनों जुलूसों का फासला बस एक बांस का ही रहा होगा कि हवा में जोरों का स्वर गूंजा, अल्लाह अकबर, जय जय। तलवारें निकल गईं, बल्लम भाले लहरा उठे, भ्रिकुटियां तन गईं, खून में लहर सी दौड़ उठी। प्रतिद्वंद्विता में केसरिया और हरा ध्वज आसमान में ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा चढ़ता गया कि अचानक जोर की आवाज हुई जैसे कोई बम फटा हो। बादलों का काफिला आसमान से गुजर रहा था। सबकी नजरें ऊपर की ओर उठ गईं। अचानक सफेद बादल का एक विशाल टुकड़ा आसमान में उभरा और केसरिया और हरे ध्वज के बीच आकर ठहर गया।
अब आसमान में तिरंगा लहरा रहा था और धरती पर समवेत स्वर गूंज रहा था, जन गण मन अधिनायक जय हे। धन्यवाद। अगली लघु कथा है बेअसर। तुमने आज की ये न्यूज पढ़ी क्या? बिल्कुल सही इलाज किया है इन घुसखोरों बेईमानों का गांव वालों ने। मॉर्निंग वॉक पर निकले कैप्टन सावंत आज बहुत खुश नजर आ रहे थे। उनकी भाव भंगिमा ही बदली हुई थी। युद्ध में अपना एक पैर और सीमा पर बेटा गंवा चुके रिटायर्ड कैप्टन सावंत बोले जा रहे थे, इन बेईमानों के कारण ही आज देश की यह हालत है। कौन सी न्यूज सर? साथ चल रहे रिटायर्ड हवलदार रामलाल ने उत्सुकतावश पूछा। कृषि अनुदान के लिए ब्लॉक के कर्मचारी रिश्वत मांग रहे थे किसानों से। गांव वाले बोरे में ढेर सारे सांप भरकर लाए और ऑफिस में छोड़ दिया। ये देखो, कैप्टन सावंत ने अखबार में छपी फोटो दिखाई। न्यूज के साथ छपी हुई फोटो देखकर रामलाल ने भी सहमति में सिर हिलाया। कैप्टन सावंत ने फिर कहा, कितना अच्छा होता अगर इसी तरह ढेर सारे कोबरा ले जाकर रहनुमाओं की उस सभा में भी छोड़ दिए जाते जहां बैठकर वे नियम नीतियां तय करते हैं। देश में आए दिन होने वाले बलात्कार, घोटालों, दंगों, हत्याओं और आतंकी हमलों से कैप्टन सावंत का खून खौल उठा था, लेकिन सर उन पर कोबरा के जहर का असर होगा क्या? हवलदार रामलाल ने पूछा। कैप्टन साहब अब निरुत्तर हो गए थे और रामलाल का मुंह देख रहे थे। अगली लघु कथा है वो लाल डिब्बा। दादाजी दादाजी मुझे लेटर लिखना सिखा दीजिए। स्कूल से आते ही पिंकी बस्ता लेकर दादाजी के पास आ गई थी। क्यों बेटा, आज स्कूल में कोई होमवर्क मिला है क्या? दादाजी ने गोद में आकर बैठी पोती को पुचकारते हुए पूछा। हाँ दादाजी, पिंकी ने उनकी ओर देखते हुए कहा। ठीक है बेटा, पहले फ्रेश हो लो, कुछ खा पी लो, फिर आराम से बैठते हैं। दादाजी ने उसे आश्वस्त किया और अपने कमरे में चले गए। पिंकी दादाजी की गोद से उतरी और किचन के दरवाजे पर खड़ी माँ की बाहों में समा गई। शाम की चाय के बाद दादाजी अपने कमरे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे तो पिंकी हाथों में कॉपी कलम लिए उनके पास आ गई। हाँ हाँ बेटा आओ, दादाजी ने अखबार टेबल पर रखते हुए प्यार से उसे अपने पास बिठाया। पिंकी ने पूछा, दादाजी ये लेटर क्या होता है? बेटा ये लेटर, दादाजी उस छोटी बच्ची को चिट्ठी का मतलब समझाने के लिए कोई सरल शब्द ढूंढने लगे और कहने लगे, जब परिवार के लोग दूर दूर होते थे तो एक दूसरे से लेटर के द्वारा ही बातें किया करते थे। तब ये मोबाइल का जमाना नहीं था ना, दादाजी ने पिंकी को बतलाना शुरू किया। दादाजी लेटर में वे क्या लिखते थे? पिंकी ने उत्सुकतावश पूछा। अपना हालचाल बताते थे, उनका हालचाल लेते थे, दुख सुख शेयर करते थे, कोई सूचना या कोई संदेश भिजवाना होता था तो भिजवाते थे। मगर ये लेटर उन तक पहुंचता कैसे था? पिंकी ने पूछा। डाक से, डाकखाने से, डाकिया पहुंचाता था, जैसे आज अमेजन फ्लिपकार्ट वाले पैकेट लेकर घर पर आते हैं ना, उसी तरह।
दादाजी ने आज के अनुरूप उदाहरण देकर पिंकी को समझाने की कोशिश की। अच्छा हाँ दादाजी, मैं समझ गई। पिंकी को कुछ याद आया और दादाजी की बात उसे समझ में आने लगी थी, वह खुश हो गई। अच्छा बेटा ये बताओ, तुमने डाक खाना मेरा मतलब पोस्ट ऑफिस के बारे में तुम जानती हो? दादाजी भी खुश हो गए कि चलो उनकी बात बच्ची को समझ में आ तो रही है। हाँ हाँ वही ना दादाजी, लाल रंग का बड़ा सा वो डिब्बा जिस पर लेटर बॉक्स लिखा होता है। दादाजी की ओर देखते हुए पिंकी ने हाथ हिलाकर इशारे से कहा, मम्मी मुझे बस स्टॉप पर छोड़ने जाती है ना, वहां मैंने देखा है। पिंकी ने चहकते हुए जवाब दिया, हाँ बिल्कुल सही देखा है तुमने। अपने मन की बात और अपना प्रेम कागज पर लिखकर, लिफाफे में डालकर और उस पर अपना पता लिखकर, उस पर पता लिखकर हम उसे उस डिब्बे में डाल दिया करते थे बेटा, दादाजी ने बताया। ठंडी हवा का एक झोंका खिड़कियों से होकर अंदर आया और सहसा यादों के झरोखों पर माँ, बाबूजी, पत्नी, दोस्तों की अनगिनत चिट्ठियों के पन्ने आकर दादाजी की आंखों के सामने खुलने लगे थे और एक एक अक्षर मानो बोलने लगे थे। मगर दादाजी अब तो उस डिब्बे में कोई लेटर डालता ही नहीं है, मैंने तो कभी नहीं देखा। पिंकी ने जब दादाजी की गीली हो आई आंखों को में झांकते हुए कहा तो दादाजी उदास हो गए। हाँ बेटा अब लेटर लिखता ही कौन है इस मोबाइल इंटरनेट के जमाने में, अब तो एहसास, भावनाएं और संवेदनाएं भी शायद मशीनी हो गई हैं। बोलते बोलते शब्द जैसे उनके गले में ही अटकने लगे थे। ठंडी सांसें भरते हुए पिंकी को बताते बताते मानो वे खुद से बातें करने लगे थे और चश्मा उतार कर अपनी आंखों के कोरों से ढुलक आए आंसुओं को पोछने लगे थे। अगली लघु कथा है नुमाइश। नुमाइश, आप लोग सूट में देखना चाहेंगे या साड़ी में? लड़की के पिता ने निरीह भाव से लड़के के पिता से पूछा। लड़के वाले आज शगुन को देखने आए हुए थे। शगुन ऊब गई थी अपनी बार बार की इस नुमाइश से। वह सोचती थी पढ़ लिख लेगी तो कम से कम इस त्रासद प्रक्रिया से तो बार बार नहीं गुजरना पड़ेगा उसे। वह सुंदर नहीं है तो क्या हुआ? कितनी कठिनाइयों से तो माँ बाबूजी ने उसे यूनिवर्सिटी भेजा था। लड़के वालों के इनकार कर देने पर माँ बाबूजी की आंखों में उतर आए निराशा के भावों को कितनी बार तो पढ़ा है उसने। क्या मतलब है ऐसी पढ़ाई का जो हम लड़कियों को समाज में नुमाइश की वस्तु बनने से नहीं रोक सकती? सोचते सोचते शगुन का ध्यान भंग होता है। ड्राइंग रूम से आती लड़के के पिता की आवाज से, देखिए भाई साहब हमारी कोई च्वाइस नहीं है, न ही हमारा कोई दबाव है। लड़की जिस ड्रेस में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हो वही पहने। सुनकर शगुन की आंखों में आत्मसंतोष और आत्मविश्वास की चमक उभर आई थी। उसे सब कुछ अब अच्छा लगने लगा था। आज उसे पहली बार लगा कि वह नुमाइश की वस्तु नहीं है और वह बड़े उत्साह से तैयार होने चली गई। अगली लघु कथा है होली। अचानक सीमा पर तनाव बढ़ जाने से सबकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई थी। पहली होली पर पति के न आ पाने से उसका मन आज बहुत उदास था। उसकी होली बेरंग हो गई थी। पति के दोस्त और पास पड़ोस के बच्चे होली के बहाने मोहल्ले की नई भाभी को देखने बड़े उत्साह से आ जा रहे थे।
वे परिवार के बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हुए उसके पास आते, भाभी भाभी करते हुए उसके गालों पर गुलाल, प्लेट में रखे काजू किशमिश मखाने उठाते और खाते हुए निकल जाते। देवर सिद्धू कोने में खड़ा यह सब देखता मुस्कुराता रहता। उसे सिद्धू की मुस्कुराहट में कुटिल शरारत नजर आ रही थी। उसकी ओर देखते हुए उसने कहा, आओ तुम भी भाभी को गुलाल लगा लो। नहीं, सिद्धू ने सिर और हाथ हिलाते हुए कहा, सबको लगा देने दीजिए भाभी, अंत में जहां जगह बचेगी वहां मैं गुलाल लगा लूंगा। सिद्धू का जवाब सुनकर वह ऊपर से नीचे तक सिहर गई। किशोरों युवाओं द्वारा होली के बहाने की जाने वाली अभद्रता और बदतमीजियों की बहुत सी कहानियां पढ़ी और सुन रखी थी उसने। उनकी उदंडता से वह वाकिफ थी, अनजाने भय से वह कांप उठी। पर्व त्योहार का दिन था, परिवार में किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। शाम देर तक लोगों का आना जाना लगा रहा। जब खाने का समय हुआ तो वह ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठे सिद्धू से पूछे बिना नहीं रह पाई, देवर जी आप भाभी को गुलाल नहीं लगवाएंगे? आप भाभी से गुलाल नहीं लगवाएंगे? नहीं भाभी, आपको तो हम लगाएंगे। शरारत भरे अंदाज में कहते हुए सिद्धू अपनी जगह से उठा। उसके मन में समाया हुआ डर अब विशालकाय हो चुका था, मगर वह क्या करती, औपचारिकता तो निभानी ही थी। मन ही मन सहमी हुई वह सिद्धू को देखने लगी। टेबल पर रखी प्लेट से अबीर लेकर सिद्धू जब उसकी ओर बढ़ा तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। स्पर्श के एहसास से सहसा उसने आंखें खोली तो देखा सिद्धू उसके चरणों में झुका हुआ था। भाभी आशीर्वाद दीजिए, सुनकर उसका रोम रोम स्पंदित हो उठा था और आंखों से झरझर आंसू बहने लगे थे। वह अभिभूत हो गई थी। दोनों हाथों से सिद्धू का चेहरा थामकर उसने उसे अपने कदमों से उठाया और अपनी आंखों में छलक आए आंसुओं को आंचल की कोर से पूछने लगी। फागुनी बयार ने उसकी आत्मा तक को छू लिया था। अगली लघु कथा है धुएं की लकीरें। भैया मुझे आशीर्वाद दीजिए। मोहन ने परीक्षा देने के लिए तैयार होकर घर से निकलते समय भैया भाभी के चरण स्पर्श किए। आंखों में अनंत सपने लिए भैया और भाभी ने मोहन के सर पर हाथ रखकर उसे भरपूर आशीष दिया। आंखें खुशी से भर आई थीं जब मोहन के फाइनल सिलेक्शन का समाचार मिला था। तो वर्षों की तपस्या सफल हो गई थी, छोटा भाई अफसर बन गया था। अचानक पूरा व्यतीत भुवन की आंखों के समक्ष तैर गया। जब बाबूजी का देहांत हुआ था उस समय मोहन मात्र 5 साल का ही तो था। माँ तो 1 साल पहले ही साथ छोड़कर जा चुकी थी। खेती बाड़ी के साथ साथ मोहन की जिम्मेदारी भी उसके कंधों पर आ गई थी। अपनी पढ़ाई और भविष्य के बारे में सोचना छोड़ दिया था उसने, और उसके सपने अब मोहन की आंखों में पलने लगे थे। पत्नी ने भी मोहन का पालन पोषण अपने बेटे की तरह किया। जीवन की तमाम चुनौतियों, मुश्किलों, दुश्वारियों को झेलते हुए भी उन्होंने मोहन के सपनों को कभी मरने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया। उसे शहर में रखकर खूब पढ़ाया लिखाया। मोहन के नौकरी ज्वाइन कर लेने पर भुवन एक जिम्मेदारी से तो मुक्त हो गए थे, मगर अब अपनी बेटी की ब्याह की चिंता
उन्हें सताने लगी थी। आज बगल के गांव से वे लड़का देखकर लौट रहे थे, मगर मन उदास था। दहेज की मांग उनकी हैसियत से बहुत ज्यादा थी। खेत तो मोहन की पढ़ाई में पहले से ही गिरवी पड़ा था, अनाज बेचकर 5 लाख रुपया कहां से ला पाएंगे वह। जाने कब मिटेगी यह दहेज की बीमारी। कहीं लड़के वालों ने मोहन की नौकरी के बारे में जानकर ही तो उनकी हैसियत का अंदाजा नहीं लगा लिया था। सोचते सोचते वे गांव की दहलीज तक आ गए थे। यह सब कुछ बता देना जरूरी लगा तो उन्होंने मोहन को फोन लगाया, मगर मोहन का जवाब सुनकर वे अचानक खामोश हो गए। कदम लड़खड़ाए तो बगीचे में आम के दरख्त ने उन्हें थाम लिया। अचानक तेज हवा चली तो शाखें हिलने लगी और पत्ते खड़खड़ाए। मोहन के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे, भैया अभी नई नई नौकरी है, पैसों का इंतजाम कैसे हो पाएगा। उनका दिल दिमाग सब सुन्न हो गया था। अकल्पनीय अचानक विकराल सच के रूप में उनकी आंखों के समक्ष आकर खड़ा हो गया था और डराने लगा था। जाड़ों के दिन थे, सर्द हवा और सर्द होकर हड्डियों तक को बेधने लगी थी और शाम का धुंधलका अंदर तक घिर आया था। वे भारी कदमों से रिश्तों की दहलीज लांघ कर गांव की दहलीज में प्रवेश कर रहे थे और उम्मीद के आसमान में धुएं की लकीरें साफ साफ दिखाई देने लगी थी। अगली लघु कथा है प्यासी नदी। प्यासी नदी अगली लघु कथा है। इस बार बरसात जमकर हुई थी। जल से लबालब भरी हुई नदी ऊंचे पहाड़ी ढलानों से उतरकर खुशी से इटलाती इतराती गाती गुनगुनाती अपनी मदमस्त चाल में नीचे की ओर चली जा रही थी। रास्ते में पड़े विशाल अविचल चट्टानों और छोटे बड़े पत्थरों ने पूछा, आज बड़ी खुश जान पड़ती हो बहन, कहाँ जा रही हो हमें छोड़कर। प्रिय भाइयों, मैं नीचे धरती पर जा रही हूँ, वहाँ मेरे बच्चे मुझे याद कर रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, उन्हें मेरी ज़रूरत है और मेरे ढेर सारे बंधु बांधव भी हैं वहाँ पर, सोचती हूँ उनसे भी मिल लाऊं। नदी ने हर्षित होकर लहराते हुए कहा, जरूर जाओ बहन, अपनों से मिलकर आओ, मगर बुरा मत मानना बहना, हमें नहीं लगता कि धरती वालों को अब तुम्हारी ज़रूरत भी है, मगर हम तुम्हें कैसे रोक सकते हैं भला। चट्टानों ने अपने मन की बात कही, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम लोग गलत सोच रहे हो, उन्हें वाकई मेरी ज़रूरत है, मुझे जाना ही होगा, कहते हुए नदी आगे बढ़ गई। शुभ विदा बहन, पत्थरों चट्टानों ने जोर से कहा और नदी अपने प्रबल वेग से पहाड़ों से नीचे उतर गई। धरती पर आकर नदी का वेग कम हुआ तो वह थोड़ी स्थिर हो गई। जल का अथाह भंडार लिए धीरे धीरे बहते हुए उसने शहर में प्रवेश किया और तटों को छूते हुए चल पड़ी। बेसब्र निगाहें वह दोनों तटों की ओर दौड़ाते हुए कुछ खोज रही थी, मगर जब उसे नजर नहीं आया तो नदी बेचैन हो गई। अरे यह क्या, कहाँ गए हमारे सभी भाई बंधु, वे बड़े बड़े पेड़ जंगल जीव जंतु, यहाँ तो चारों ओर सिर्फ धूल धुआं और शोरगुल है, गगनचुंबी मारते हैं। नदी ने रुआंसी होकर तटों से पूछा, भाइयों तुमने तो देखा होगा कि ये जंगल पेड़ पौधे कहाँ गए, और हमारे भाई शेर बाघ चीता हाथी हिरण आदि भी नजर नहीं आ रहे हैं। नदी बहन, सुना है कि विकास और शहरीकरण की आंधी ने जंगलों और पेड़ पौधों को उजाड़ दिया है, जंगली जीव या तो शिकार बन गए या फिर उन्हें शहरों के चिड़ियाघरों की चहारदीवारी में कैद कर दिया गया है, पक्षियों के घोंसले नष्ट हो गए हैं,
अब यहां बस ये कंक्रीट के जंगल दिखाई पड़ते हैं, तत्वों ने बेबस स्वर में बताया। उफ, नदी ने अपना सिर पीट लिया और उदास हो गई। जिन्हें सींच कर वह जीवन देने आई थी वे ही अपनी जड़ों से उजड़ चुके थे। जिनसे गले मिलकर वह अपना सुख दुख बांटने आई थी वही वहां नहीं थे, उसका दिल बैठ गया। नदी थोड़ी दूर आगे बढ़ी तो हवा के साथ बदबू और तेज दुर्गंध का भभका उसके नथुनों में समा गया। लगा जैसे सांस ही बंद हो जाएगी। वह बुरी तरह खांसने लगी। आंखें मिचमिचाते हुए उसने अगल बगल देखा तो आंखें फटी की फटी रह गईं। शहर से कई बड़े बड़े नाले तटों की ओर खुल रहे थे और उनसे काला गाढ़ा सा कुछ बहकर उसके पानी में मिल रहा था। बदबू भी वहीं से आ रही थी। उसने देखा पास के पानी में तैरती मछलियां छटपटाने लगी थीं और किनारे से दूर भागने लगी थी। नदी गुस्से से भर उठी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, शहर वालों की ओर हिकारत भरी नजरों से देखा और कहा, अब इसका अंजाम तुम लोग भुगतोगे। किसी तरह नदी ने अपने हृदय के उद्वेग को शांत किया और अपने विस्तृत फैले हुए आंचल को समेटकर अपनी कमर में खोंस लिया और सिमट गई, और फिर शहरों और तटों को छोड़ते हुए एक पतली सी धार बनकर वह सागर से मिलने चल पड़ी। पीछे से शहर वालों के पुकारने की आवाजें आ रही थीं, माँ रुक जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ। मगर नदी न तो रुकी न ही उसने पीछे मुड़कर देखा। बस इतना ही कहा, अब मैं तभी आऊंगी जब तुम मुझे हरियाली दोगे और आंखों में नीर भरे नदी मानव सभ्यता से दूर बहती चली गई। अगली लघु कथा है खुलती गांठें। पापा पापा देखो ना स्वीटी को क्या हो गया है। 4 वर्षीय बेटी दौड़ती हुई उसके पास आई और हाथ पकड़कर उसे गार्डन की ओर ले जाने लगी। गुड़हल के उस पेड़ के पास जहां स्वीटी अक्सर रहा करती थी अपने चारों बच्चों के साथ। पापा देखो ना स्वीटी कैसे सो गई है, उठ ही नहीं रही है, कहते हुए बेटी सुबकने लगी। उसने पास बैठकर धीरे से बिल्ली को सहलाया, मगर आह, ओ माय गॉड, ये तो शब्द जैसे उसके मुंह में ही अटक गए, मगर बेटी शायद समझ गई थी। मम्मी, बेटी जोर से चिल्लाई और पापा से चिपट गई। बेटी का करुण क्रंदन उसके अंतर्मन को बेध गया। रोते रोते बेटी ने पूछा, पापा स्वीटी के बच्चे मम्मी के बिना अब कैसे रहेंगे, इनके तो पापा भी नहीं हैं। अनुभूति और दर्द से उपजे बेटी के इस सहज स्वाभाविक प्रश्न ने उसके वजूद तक को झकझोर दिया था। लगा जैसे अंदर कुछ छनाक से टूटकर बिखर गया हो, मगर खुद को संभालते हुए उसने कहा, नहीं बेटा हम हैं ना, और प्यार से बेटी को गोद में उठा लिया। हम हैं ना, कितनी आसानी से बेटी से कह दिया था उसने, मगर उसे पता था कि वह झूठ बोल रहा है। श्वेता के मम्मी पापा इसी शहर में रहते थे। ऑफिस से लौटते वक्त अक्सर वह उनके पास चली जाया करती थी, कभी कभी तो वहीं रुक भी जाती थी, बस फोन पर उसे सॉरी कह देती थी। उस दिन बस इतना ही तो कहा था उसने श्वेता से कि माँ बाबूजी और अपनी बेटी के प्रति भी उसके कुछ दायित्व हैं, उसे इस बारे में भी सोचना चाहिए। बस इतनी सी बात पर वह सब कुछ छोड़कर अपने मम्मी पापा के पास चली गई थी। कई बार उसने उसे फोन किया मगर श्वेता ने उठाया ही नहीं।
मगर इसमें गलती श्वेता की भी नहीं थी। उसका छोटा भाई राकेश जब अमेरिका जाकर बस गया तो बूढ़े मम्मी पापा की देखरेख करने वाला श्वेता के सिवा था भी कौन। आखिर वह भी तो अपने माँ बाबूजी की देखभाल कर ही रहा है ना। अगर श्वेता भी यही कर रही है तो इसमें गलत क्या है। गलती दरअसल उसी की है, उसे ही श्वेता से माफी मांग लेनी चाहिए। सोचते सोचते बेटी को गोद में लेकर वह मुड़ा और उसकी पनीली आंखों में उतरते हुए कहा, मम्मा को लाने चलें? हाँ पापा, बेटी ने चहकते हुए कहा और पापा से लिपटकर उनके गाल पर एक मीठा सा पुच्छू दे दिया और मुस्कुराने लगी, मुस्कुराहट से जैसे सारा जहां मुस्कुरा उठा था। उनकी कार अब श्वेता के घर की ओर जा रही थी, उसके मन पर पड़ा बोझ अब उतर चुका था। एक और लोक कथा है, अभी एक लोक कथा में और प्रस्तुत कर दे रहा हूं। सूखी रोटियां गठरी मोटरी उतार कर वे लोग चबूतरे पर बैठ गए। ये लोक कथा लॉकडाउन के समय जो मजदूर घर की ओर चले थे तो क्या स्थितियां थीं, क्या परिस्थितियां थीं, उनके बारे में है। सूखी रोटियां गठरी मोटरी उतार कर वे लोग चबूतरे पर बैठ गए। छोटा सा मंदिर, बगल में आम का पेड़ और चापाकल, इससे महफूज जगह उन्हें रुकने के लिए नहीं मिल सकती थी इस अनजान जगह पर। दिन भर चलने के बाद पांव जब थकने लगे तो उन्होंने यहां रुकने का फैसला किया था। रात हो गई थी, अंधेरे में सड़क पर चलने पर गाड़ियों से कुचले जाने का भी डर था। कुल 10 जने थे वे, औरत, बड़े, बूढ़े, बच्चे सब मिलाकर। इस विपदा यात्रा में कैसे वे एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन गए उन्हें पता ही नहीं चला। रामदीन बाबा, सुखिया चाचा, कलावती चाची, फुलेश्री बुआ, रजिया आपा, मनोहर भैया, विशाल भैया, दीनू भैया, रमुआ चाचा, अशरफ भाई, मुश्ताक भाई, सब एक परिवार ही तो बन चुके थे। 1 साल का मनुआ और 2 साल की नीलू की तो पारी बन गई थी रास्ते भर सबकी गोद में जाने की। अशरफ ने अपने मोबाइल के टॉर्च से रोशनी की तो सबने रोटी, प्याज, मिर्च, नमक, मूली, सत्तू, अचार, चने, जो कुछ भी था निकाला और सबने एक साथ मिलकर प्रेम से खाया। आधी थकान तो वैसे ही मिट गई। चबूतरे पर चादर, गमछा, बेडशीट बिछाकर सभी सोने ही जा रहे थे कि कुछ कदमों की आहट से वे चौंक गए। मुश्ताक ने मोबाइल की रोशनी आवाज की दिशा में फेंकी तो देखकर सब डर गए। 4-5 हट्टे कट्ठे युवक हाथों में लाठी लिए, गमछे से मुंह ढके सामने खड़े थे। उनमें से एक की कड़क आवाज गूंजी, जो भी पैसा कौड़ी है और सामान है चुपचाप बाहर निकालो। हल्ला किया तो खैर नहीं, जल्दी करो, जल्दी, दूसरे ने कहा। जिसके पास जो कुछ भी था सब निकाल कर उनके सामने रख दिया गया। लुटेरों ने टॉर्च की रोशनी में देखा कुछ प्याज, मिर्च, अचार के टुकड़े, नमक की डिबिया, खाली बर्तन, कुछ सिक्के, तुड़े मुड़े नोट और सूखी हुई रोटियां। टॉर्च बुझ गई, लुटेरों के हाथ रुक गए, उनके चेहरों से गमछे हट गए और आंखों में पश्चाताप के आंसू छलछला आए। वे ग्लानी से भर उठे थे। उन्होंने अपने कदम मोड़ लिए। कुछ दूर जाकर वे फिर वापस लौटे। उनके पास आए, एक पोटली छुटके मनुआ की गोद में रखकर एक नजर उन सब की ओर देखा, फिर वे मुड़े और अंधेरे में ओझल हो गए। उनके जाने के बाद रामदीन बाबा ने जब पोटली खोली तो सबकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं।
पोटली में 100, 200, 500 के दसियों नोट थे। उन नोटों में इंसानों के चेहरे उभर आए थे। भरे हृदय से अब उन लुटेरों के लिए कोई अल्लाह से दुआएं कर रहा था, तो कोई हाथ जोड़कर भगवान से उनके लिए आशीर्वाद मांग रहा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद जन सरोकार मंच टोंक की ओर से। कुछ लोककथाएं मैंने प्रस्तुत की जो हमारी संवेदनाओं को छूती थी, कुछ सामाजिक जो विसंगतियां हैं, परिस्थितियां हैं, उन पर भी कुछ रोशनी डालने की कोशिश की गई है। और प्रयास कैसा रहा इसका आकलन आप करेंगे। जन सरोकार मंच का बहुत बड़ा बहुत आभार। और आप सभी बंधुओं ने, मित्रों ने मुझे सुना देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।